10% स्वर्णों को दलाल बताने वाले आरजेडी कोटे के मंत्री आलोक मेहता को अब जान से मारने की धमकी मिली है। राजद विधायक और बिहार सरकार में मंत्री भूमि राजस्व सुधार एवं गन्ना विभाग के जो मंत्री आलोक मेहता, उनके बयानों के बाद अब उनके ऊपर खतरा मंडराने लगा है। उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराई है कि उनको विभिन्न नंबरों से धमकी भरे फोन आ रहे हैं, उनको जातिवाचक शब्दों के साथ गाली गलौज की जा रही है, धमकी जान से मारने के लिए दिया जा रहा है। आपको बता दें कि एक जनसभा को संबोधित करते हुए आलोक मेहता ने एक विवादित बयान दिया था, उस बयान के बाद पूरे बिहार में सियासत गर्मा गई है। स्वर्ण समाज के लोगों ने सबसे ज्यादा आपत्ति जताई है और सीधे तौर पर कहा है कि मंत्री अपने बयान को वापस लें। बिहार सरकार के अंदर आरजेडी के सहयोगी जेडीयू के भी कई नेताओं ने कहा है कि पुरखों को गाली देने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब जान से मारने की धमकी बिहार सरकार के मंत्री को। दरअसल महाराणा प्रताप के नाम पर आयोजित स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम में भी तमाम राजपूत नेताओं ने आलोक मेहता को नसीहत देते हुए चेतावनी दी थी कि वो अपने बयान वापस ले, माफी मांग ले। अंग्रेजों की दलाली करने वाले जो शब्द उन्होंने कहा था उस पे वो माफी मांगे। जिन 10% लोगों की वो बात कर रहे हैं उनसे माफी मांगे। मंदिर में घंटा बजाने वाले लोगों से वो माफी मांगे। उसके बाद सियासत गर्मा गई। आरजेडी के जो तमाम नेता हैं वो अपने पार्टी के नेता आलोक मेहता और बिहार सरकार के मंत्री के साथ खड़े हैं। सफाई पर सफाई आरजेडी की तरफ से दी जा रही है। कहा जा रहा है कि आलोक मेहता ने जिस संदर्भ में बातें कही है उसे तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, उसका मतलब कुछ और था। बेवजह इस मामले को तुल दिया जा रहा है। जगदेव बाबू के नाम से यह मामला एक कार्यक्रम को लेकर है। दरअसल आलोक मेहता एक कार्यक्रम करवाने वाले हैं जगदेव बाबू के नाम पे। उस समारोह की तैयारी में लोगों को बुलाने के लिए वो पूरे बिहार में घूम घूम कर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लोगों को पटना आने का न्योता दे रहे हैं, जगदेव बाबू के आदर्शों की चर्चा कर रहे हैं। और इसी दौरान आरजेडी के नेताओं का कहना है कि उन्होंने जगदेव बाबू का नारा है उसे दोहराया है कि 100 में 90 हमारा है, 10 का जो हिस्सा है उस पर सवाल उठाया है। अब यही 10% आलोक मेहता को मुश्किल में डाले हुए हैं। दरअसल जिस अंदाज में आलोक मेहता ने यह बातें कही उसके बाद से यह सवाल उठने लगा कि आखिर आलोक मेहता किन 10% लोगों की बात कर रहे हैं। ये वही 10% लोग हैं जिनके पुरखों ने देश की आज़ादी से लेकर आज़ादी के पहले तक देश के निर्माण में अपना खून पसीना बहाया था। अब इस बात को लेकर देश भर में चर्चे किए जा रहे हैं। आरजेडी के जो सहयोगी है वो भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि आलोक मेहता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो सही है। ऐसे में आरजेडी के नेताओं का भी किनारा है और लोग आलोक मेहता को ही चुनौती और उनको नसीहत देने में जुटे हुए हैं। हालांकि जब आलोक मेहता को फोन पर धमकियां मिलनी शुरू हो गई है तो इस पूरे मामले की लिखित शिकायत पुलिस में कर दी गई है और अविलंब जो फोन करने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार करने की मांग भी की जा रही है। आपको बता दें कि आलोक मेहता ने जो चिट्ठी लिखी है, जो शिकायत लिखी है, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ट्रू कॉलर पर नाम जब देखा गया तो फोन करने वाले व्यक्ति का नाम पहले पांडे जी आया और फिर तिवारी जी। अब बड़ा सवाल है कि बिहार सरकार के मंत्री खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बिहार के आम लोगों की सुरक्षा कैसे होगी। जब मंत्री को ही धमकी मिलेगा तो आम लोगों की कौन पूछे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे। इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।